हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटिव के बारे में। किसके बारे में? इन्फिनिटिव। पिछले क्लास में हमने वर्ब और वर्ब के टाइप को देखा था, कितने तरह का था। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या था? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमने देखा था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या आता है? जेरंड आता है, इन्फिनिटिव आता है, और क्या है, पार्टिसिपल। क्या चीज? पार्टिसिपल। जेरंड के बारे में डिस्कस कर चुके थे, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। देखते हैं इन्फिनिटिव होता क्या है। देखो, जब वर्ब को क्या, जब वर्ब को नाउन बनाना रहता है तो हम जेरंड और इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, जब वर्ब को नाउन बनाना पड़ता है तो क्या चीज यूज करते हैं? हम इन्फिनिटिव और जेरंड का यूज करते हैं। अब ये इन्फिनिटिव हो गया क्या? नाउन। क्या हो गया? नाउन। इसका स्ट्रक्चर 2+ वर्ब का बेस फॉर्म कहिए या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहिए, ठीक है। अब ये नाउन हो गया तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा? तो ये सर बिल्कुल ये सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा? तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो नाउन का सारा प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी इन्फिनिटिव करते हैं, जैसे एडजेक्टिव बनना, एडवर्ब बनना, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। वैसे बेसिक कंसेप्ट इसका ले लेते हैं। अब इन्फिनिटिव 2+V1। देखो, इन्फिनिटिव है जब वर्ब को नाउन बनाना रहता है, क्या करते हैं? इन्फिनिटिव जेरंड। और इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है, क्या रहता है? वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है, इसलिए वो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेना। जैसे देखो, जैसे कहते हैं ना पेन, अब पेन मेरा नाउन है, क्या है? नाउन। तो सब्जेक्ट बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा, पेन इज गुड। अब यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये वर्ब है, और ये बताओ पेन इज गुड। अब यहाँ पे ये क्या है? ये है नाउन, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब ये नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पेन इज गुड। तो यहाँ पे ये नाउन लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटिव लिख सकते हो, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव लग सकते हो, तो टू रन इज गुड। दौड़ना क्या है? हिंदी मीनिंग हमेशा क्या देगा? ना। तो दौड़ना क्या है? अच्छा है। तो देखो, अगर नाउन आ गया तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे ये टू रन इज गुड हो जाएगा। अब बताओ, रन ट्रांजिटिव नेचर का है कि इनट्रांजिटिव नेचर? बोलेंगे इनट्रांजिटिव नेचर का, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, लेकिन वही रहता है, टू प्ले इज गुड। अब यहाँ पे ये बताना, ये जो प्ले है वो किस ट्रांजिटिव नेचर का है कि इनट्रांजिटिव नेचर का? तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नेचर का। तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है, टू प्ले गेम्स, टू प्ले गेम्स इज गुड। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये गेम्स प्लुरल है, लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, और इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, जिसके कारण ये वर्ब, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा और वर्ब पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। बात समझे? ये सब्जेक्ट आपका रहेगा टू प्ले, और इन्फिनिटिव और जेरंड दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं, याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन भी आता है, इन्फिनिटिव और जेरंड हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। टू प्ले गेम इज गुड, ठीक है। अब बताना, टू सेल, टू सेल बेचना, क्या बेचना? थ्री बाइक्स, टू सेल थ्री बाइक्स इज और आर इम्पोर्टेंट, इज आर इम्पोर्टेंट। अब ये बताना, यहाँ पे इज आएगा कि आर? यहाँ पे थ्री बाइक्स है, तो टू सेल बेचना, ये क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या है? सब्जेक्ट। क्योंकि इन्फिनिटिव है तो इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव नेचर का कि इनट्रांजिटिव नेचर का? तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नेचर का।
तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, लेगा तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ईच किया तो बोलेंगे ईच, क्यों, सब्जेक्ट क्या है, टू सेल, न कि थ्री बाइक्स। थ्री बाइक्स ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का, इस वर्ब का, इन्फिनिटिव का क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम जब भी वर्ब लेते हैं किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है, टू सेल बाइक इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखो जैसे आई लव, आई लव ए कार, अब यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला कि वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए, क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट आ सकता है तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन आ सकता है, आ सकता है, नाउन आ सकता है तो इन्फिनिटिव आएगा, तो बिल्कुल इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, तो आई लव टू डांस लिख सकते हैं, आई लव टू डांस। ओके, चलो और देख लेते हैं, आई लाइक टू रीड, अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन पे है, ट्रांजिटिव नेचर क्या, इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव, तो क्या लेंगे, आई लाइक टू रीड ए बुक। ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर का इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू रीड ए बुक। ठीक है, ये जो है ये टू रीड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और देख लो, आई लाइक टू प्ले, अब देखना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नेचर, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नेचर, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ये अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। बात समझ में आया, ठीक है, और देखते हैं, आई वांट टू गो, अब ये देखो गो जो है ट्रांजिटिव नेचर का कि इंट्रांजिटिव नेचर का, बोलेंगे ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट ले लेगी, तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, तो आई वांट टू गो सही है, लेकिन आई वांट टू ड्राइव, ठीक है, आई वांट टू ड्राइव, अब ड्राइव मतलब चलाना, क्या चलाना, आई वांट टू ड्राइव ए कार, तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले ली। ठीक है, पेपर को रीड करोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, तो बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जब बेसिक कंसेप्ट रहेगा सारे चैप्टर के कोई भी सवाल हो आराम से उसको समझ सकते हैं, उसको बनाने की कोशिश कर सकते और वो बन भी जाएगा। ठीक है, पहले अंडरस्टैंडिंग सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक, तभी आप कोई क्वेश्चन को बना सकते हो। तो एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे देखते हो माई हॉबी इज टू टीच, मेरा हॉबी क्या है, पढ़ाना, अब टीच है, टू टीच इन्फिनिटिव, कौन से नेचर का है, ट्रांजिटिव, तो इस टीच स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लेगी, टीच स्टूडेंट। ये हो गया इन्फिनिटिव के बारे में। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटिव जो होती है ना, तो ये देखना सबसे पहली बात, इन्फिनिटिव हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। सबसे पहले इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी है, इसीलिए क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। इन्फिनिटिव हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, और जब वर्ब को नाउन बनाना रहता है तो किसकी मदद लेते हैं, जेरंड या इन्फिनिटिव की। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो इन्फिनिटिव नाउन के अलावा कुछ और काम कर देते हैं। ठीक, इन्फिनिटिव जो होते हैं वो नाउन के अलावा कुछ और काम कर देते हैं, जैसे कि इन्फिनिटिव एडवर्ब का भी काम कर देते हैं, इन्फिनिटिव एज एडवर्ब, इसके रूप में, एडवर्ब के रूप में। जैसे देखो आई सोल्ड ए बाइक, आई सोल्ड ए बाइक टू गेट मनी, अब यहाँ पे देखना ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बेचा क्या बेचा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बोलेंगे सेकेंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इससे पहले हैव नहीं है, बी वर्ब नहीं है। ठीक है, सोल्ड, टू गेट, क्यों बेच दिया, पैसे को पाने के लिए, क्यों का, वाई का जवाब मिला ना, वाई का जवाब मिल गया, मतलब एडवर्ब का भी काम करेगा। तो ये मनी क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। बात समझ गए, ये जो मनी है किसका ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटिव एज एडवर्ब, कभी कभी एडवर्ब का भी काम कर लेगी। और देख लो इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव,
infinitive as adjective. अब यहाँ पे देखना, infinitive as adjective, जैसे I have a chair to sit on, ठीक है. अब I have a chair to sit on, बैठने के लिए क्या है, चेयर है, तो ये सीट आ गया, टू सीट, वो क्या हो गया, इन्फिनिटिव. और ये क्या, किसकी विशेषता बता रहा है, ये चेयर के बारे में बता रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हो गया जो भी वर्ड नाउन के बारे में बताए, नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव. तो यहाँ पे ये सीट किसके बारे में बता दिया, चेयर के बारे में बता दिया, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव. ऑन, ऑन हो गया, तो ऑन किसके लिए आया, चेयर के लिए, ठीक है, टू सीट ऑन. आई हैव नो हाउस टू लीव इन. अब बात सीधा है, इन लीव रहने के लिए, अब रहने की विशेषता कौन बता रहा है, ये हाउस वाला कंसेप्ट बता रहा है, इसका मतलब ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव जो इन्फिनिटिव है, और इन का ऑब्जेक्ट कौन है, हाउस है. तो बस इतना ही डिटेल है इन्फिनिटिव के बारे में. हमने इन्फिनिटिव के बारे में क्या जाना, इन्फिनिटिव हमेशा सिंगुलर होता है. जब वर्ब को नाउन बनाना रहता है तो हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं. इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट. हमेशा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, कभी कभी इन्फिनिटिव एडवर्ब का भी काम कर लेगी, अगर क्यों का जवाब दे दी तो, अगर नाउन की विशेषता बता दी तो एडजेक्टिव का भी काम कर लेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक में, जिसका नाम है पार्टिसिपल. कौन सा है, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल जानने से पहले एक चीज़ जान लेना, वी फोर के बारे में बताए थे ना हम, वी फोर के बारे में आपको बता चुके हैं. अगर वी फोर वर्ब है तो इससे पहले क्या होगा, बी वर्ब होगा, ठीक है. बी वर्ब का टोटल कंसेप्ट हम वीडियो डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है. दूसरा है जेरंड. अगर वी फोर है, जेरंड मतलब नाउन, क्या है, नाउन है, तो सबसे पहले वो काम क्या करेगा, सब्जेक्ट बनने का, क्या करेगा, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अगर सब्जेक्ट है तो उसको वर्ब दे देंगे तो हो जाएगा ना, सेंटेंस बन जाएगा. ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, उसके पहले क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, उसके बाद क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन के बाद टू को छोड़ के वी फोर जो आता है वो क्या होता है, जेरंड, ठीक है. उसके बाद और क्या बता दिए थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक था पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद, ठीक है. पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब माय, दियर, आवर, हर, हिज, इस तरह से योर, ठीक है. तो अगर वर्ब है तो उससे पहले बी वर्ब होगा, चेक कर लेंगे. अगर नाउन या जेरंड है तो उसको सब्जेक्ट बना के देखेंगे. अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद उसका वर्ब होगा, तो समझ जाएंगे कि क्या है, ये जेरंड है. ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा मतलब इससे पहले क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा. उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब वी फोर से पहले क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन. पोसेसिव एडजेक्टिव में देख लेंगे कि वी फोर से पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या, माय, हर, दियर, योर, आवर, हिज, हर, ठीक है. और तीसरा लास्ट में है पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल. कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है. अब मान लो आपके पास कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, कितने, तीन ऑप्शन है. दो ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, दो को तो होगा नहीं, तो लास्ट वाला ही होगा ना, ठीक है. तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट. ये दोनों को चेक कर लेना, अब बाद में अगर ना हो तो इसको डाल देना, प्रेजेंट पार्टिसिपल. बोलते क्या है, एडजेक्टिव. बात क्लियर. जहाँ भी वी फोर आ जाए ये देख लीजिएगा, वी वर्ब है तो वर्ब है, जेरंड है तो ये सब अप्लाई कर दीजिएगा. अगर प्रेजेंट पार्टी, अगर ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. चलो देखते हैं पार्टिसिपल. पार्टिसिपल होता क्या है, तो नाउन, सॉरी एडजेक्टिव. होता क्या है, एडजेक्टिव. तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन. इसके बाद या पहले, ठीक है, नाउन आ सकता है. देखो नाउन है ना, नाउन से पहले भी आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं, नाउन के बाद भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत न
नहीं है, ठीक है। अब अगर नाउन से पहले लिखते हैं तो मोस्टली ऐसा ही दिखा लिखा मिलेगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, चलो ठीक है। अब पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, ठीक। कितने तरह के? तीन। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एक है परफेक्ट पार्टिसिपल। कितने तरह के पार्टिसिपल? तीन तरह के। कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? वी फोर आएगा, वी फोर। पास्ट पार्टिसिपल में वी थ्री, परफेक्ट मतलब हैविंग प्लस वी थ्री, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो नो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे देखो ए रनिंग हॉर्स, इसका मतलब क्या होगा? दौड़ता हुआ घोड़ा, ठीक है। ए मूविंग कार, अब देखो इसको कह सकते हो दौड़ता हुआ कार, चलता हुआ कार, चलने वाला कार, चल रहा कार, तीनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा, ठीक है। रनिंग अ मूविंग, अ बर्निंग ट्रेन, जलता हुआ ट्रेन, अ बर्निंग ट्रेन, जलता हुआ ट्रेन। अ फॉल, अ फॉलिंग लीफ, गिरता हुआ पत्ता, ठीक है। हाँ, ए बार्किंग डॉग, क्या हो गया? ए बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता, ठीक है। उसी तरह ये समझ लेना आर्टिकल है यहाँ पे, इसके बाद क्या आएगा? नाउन। तो ये क्या हो गया? नाउन। ये आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल देखो, ए यूज्ड कार, क्या हो जाएगा? ए यूज्ड कार, इस्तेमाल किया हुआ गाड़ी। ए मिस यूज्ड कार, दुरुपयोग किया हुआ कार। सेव्ड, सेव्ड मनी, ठीक है, सेव्ड मनी, बचाया हुआ पैसा, ठीक है। लॉस्ट टाइम, खोया हुआ समय, ठीक है। उसके बाद है ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। अब देख लो ये वाले, हैविंग, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू ऑफिस, ही वेंट टू ऑफिस, ठीक है। नाश्ता लेने के बाद वो चला गया। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, वो परफेक्ट पार्टिसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट और पास्ट। और एग्जांपल देखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, क्या? ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी। और क्या होगा? वॉशिंग पाउडर, घर में जो आता है वॉशिंग पाउडर, ठीक है। और हो तो बताओ, रिपेयर्ड, ए रिपेयर्ड कार, रिपेयर्ड कार। अ सोल्ड बाइक, सोल्ड बाइक, ठीक है। अ सोल्ड बाइक, अ स्टोलेन पेन, चुराया हुआ कलम, स्लैप्ड बॉय, स्लैप्ड बॉय, अ स्लैप्ड, थापर मारा हुआ लड़का, ठीक है। वर्किंग फार्मर, काम करने वाला किसान, वर्किंग फार्मर्स, ठीक है। फार्मर, और एग्जांपल बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, ए स्लैप्ड बॉय, स्टोलेन, ए सोल्ड बाइक, रिपेयर्ड, सॉरी रिपेयर्ड कार,
ए रिटेन स्टेटमेंट, ए रिटेन स्टेटमेंट क्या होगा, ए रिटेन इनफ है। ठीक है, तो हमेशा ये समझिएगा ठीक है कि पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आएगा नाउन। और एक बात और समझिए, नाउन से पहले और बाद एडजेक्टिव आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या होगा, वी फोर, ए रनिंग हॉर्स, ए मूविंग कार मतलब चलता हुआ गाड़ी, बर्निंग ट्रेन जलता हुआ ट्रेन, ए फॉलिंग लीफ गिरता हुआ पत्ता, ए बार्किंग डॉग मतलब भौंकने वाला कुत्ता। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर पीने वाला पानी, वॉशिंग पाउडर धोने वाला पाउडर, वर्किंग फार्मर काम करने वाला फार्मर। फिर देखो पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री, ए यूज कार यूज किया हुआ कार, ए मिस यूज कार मिस यूज किया हुआ, सेव्ड मनी, लॉस्ट टाइम, ब्रोकन चेयर। ठीक है, ये हो गया। हाँ, रिपेयर्ड कार, सोल्ड बेचा हुआ गाड़ी, ए स्टोलेन पेन, ए स्लैप्ड बॉय पीटा हुआ बॉय, ए रिटेन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, ज़्यादा नहीं। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग प्लस वी थ्री लगा देना, हो जाएगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो ठीक, पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल देखो वी फोर कितने तरह का, वर्ब से पहले वी वर्ब है तो ये क्या है, वी फोर है तो क्या करेगा, एक्शन करेगा। अगर वर्ब है तो इससे पहले अगर सब्जेक्ट दे देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, तो बोलेंगे जब ये वर्ब हो गया इससे पहले सब्जेक्ट दे देंगे तो वर्ब बन जाएगा। ठीक है, एक्शन करेगा। जेरेंट को कैसे पहचानेंगे, या तो वो नाउन होगा या फिर ये नाउन, ये तो नाउन होता ही है, या तो सब्जेक्ट बनेगा, अगर सब्जेक्ट बना तो उसको क्या दे देंगे, वर्ब। ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट उससे पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन। सेंटेंस जब यूज करेंगे ना तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे वी फोर मेरा वर्ब है, जेरेंट है और क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, या पोसेसिव एडजेक्टिव हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल देख लेते हैं। ठीक है, हाँ प्रेजेंट, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो कौन हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये क्लियर कर लिए। इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव, देखो इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन, काम है ना नाउन का, हिंदी मीनिंग क्या देगा, ना। ठीक है, अगर नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे पेन नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। जब सब्जेक्ट ये बनेगा तो देखो, ठीक है, तो पेन इज गुड लिख सकते हैं, तो नाउन आया, नाउन आया तो इन्फिनिटिव आ जाएगा तो टू रन इज गुड लिख सकते हैं। ये इंट्रांजिटिव नेचर का इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इंट्रांजिटिव नेचर का इसलिए ऑब्जेक्ट लिया। और ये पोजिशन किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का, इसके अनुसार वर्ब चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार चेंज होगा। और इन्फिनिटिव हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। ठीक है, अब टू सेल, अब यही इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बना है, अपना ऑब्जेक्ट थ्री बाइक ले ली है, तो ये पोजीशन किसका है, ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब नहीं ना होता, किसके अनुसार होता, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अब इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट, अब आई लव ए कार, तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले सकते हो तो जब ऑब्जेक्ट ले सकते हो तो यहाँ पे इन्फिनिटिव भी रख सकते हो, आई हैव, आई लव टू डांस। ठीक है, आई लाइक टू रीड, रीड व्हाट, बुक, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, रीड का। आई लाइक टू प्ले, क्या, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्ले का। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ठीक है, अब देखो माई हॉबी इज टू टीच, टीच क्या, स्टूडेंट, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, इन्फिनिटिव का। अब देखो इन्फिनिटिव कभी कभी क्या करती है, एडवर्ब का भी काम कर लेती है, जैसे आई सोल्ड ए बाइक, क्यों बेचा, पैसे पाने के लिए। ठीक है, तो ये मनी जो है किसका ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव का। ठीक है, एज ए एडजेक्टिव, अगर नाउन की विशेषता बताए तो एडजेक्टिव का काम करेगा, यहाँ चेयर की विशेषता बता रहा है, हाउस की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब पार्टिसिपल के बारे में बता दिए हैं। अब एक चीज़ देख लेना, लास्ट वी फोर तीन तरह से काम करेगा, अगला वीडियो इसी पे रहेगा। ठीक है, एक वर्ब, एक नाउन और एक एडजेक्टिव। अब नाउन को बोलेंगे जेरंड, इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वी थ्री दो तरह से काम करती है, कितने तरह से, दो, एक होगा वर्ब और एक होगा पास्ट पार्टिसिपल, क्या, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा। ठीक है, वर्ब का पता कैसे चलेगा, तो इससे पहले हैव वर्ब या बी वर्ब हो, क्या हो, हैव वर्ब या बी
वर्ब हो तो वर्ब वन निकल जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है वी टू और वी थ्री सेम होता है, क्या होता है वी टू और वी थ्री सेम होता है, जैसे देखो कॉल कॉल्ड कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वी टू और वी थ्री क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका भी पता लगाएंगे कि ये वी टू है, ये वी थ्री है, ये एडजेक्टिव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम वी फोर और वी थ्री के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।